नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। तो राजस्थान में गहलोत सरकार बच गई, मगर जैसा कि वो कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अरे भैया, भेड़िए के सामने तुम मेमने रख दोगे तो भेड़िया उसे पुचकारेगा थोड़े ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भेड़िया है। भारतीय जनता पार्टी कहां से भेड़िया हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी तो बैल है। नहीं, बैल के तो सींग होते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी गाय है, और गाय सबकी माता है, और माता के भक्तों को कुछ नहीं आता है। बहरहाल, हकीकत यह है दोस्तों कि अशोक गहलोत सरकार बच गई हो, मगर सवाल वही बना हुआ है, कितने दिनों तक बच गई है। और सवाल आज हम बहुत ही विस्तृत अंदाज में इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस से क्या गड़बड़ हो रही है, उसके नेतृत्व से क्या गड़बड़ हो रही है। मगर उससे पहले एक बहुत ही अहम मुद्दा पिछले हफ्ते का, जिसे पूरी तरह से मीडिया ने सिरे से खारिज कर दिया। क्या आप जानते हैं पीएम केयर्स फंड? जी हां, वो पीएम केयर्स फंड जो कि कोरोना संकट के आने के बाद गठित किया गया था, जिसमें आप पैसे दे सकते हैं और वो पैसा कोरोना के इलाज के लिए लोगों तक पहुंचाए जाने का प्रावधान था। क्या आप जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड एक अंधा कुआं बना हुआ है, जिसके सामने खड़े होकर आप चीखते रहें, मगर आपको यह नहीं पता कि आपकी आवाज कहां तक जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं हो सकता, उसकी हकीकत सामने नहीं आ सकती। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की तरह आपने कितना पैसा दिया यह आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में आपने 5 पैसे भी दिए हों तो उस पाई पाई का हिसाब एक वेबसाइट पर होता है। मगर पीएम केयर्स फंड को लेकर एक पूरी तरह से पर्दादारी जारी है। खबर क्या है जो आपके स्क्रीन पर? लोक लेखा कमेटी यानी कि पीएसी कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इस संकट से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड की जांच नहीं करेगी। समिति बैठक में इस मामले में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति बनाने में नाकाम रही। लोक लेखा समिति सबसे अहम संसदीय समितियों में से एक है। ये ऑडिटर जनरल की ओर से पेश सभी रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल करती है। पीएसी 2G स्पेक्ट्रम जैसे अहम मामलों की जांच कर चुकी है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसी या फिर लोक लेखा समिति का मकसद यही है कि अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ झाला हो उसकी जांच हो। 2G मामले की भी जांच यहां पर हुई थी, वो 2G मामला जिस पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तो आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लोक लेखा समिति इसकी जांच क्यों नहीं कर सकती। हम आपको बता दें कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। देश के बारे में सोचना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से काम करना चाहिए, और इस महत्वपूर्ण विषय पर आम सहमति उन्होंने बनाने की अपील की। जी हां, अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि लोक लेखा समिति इसकी जांच करे, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे, जो सांसद सदस्य थे, उन्होंने उसमें अड़ंगा डाल दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे में भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के नेता और सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा। पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसका ऑडिट नहीं हो सकता, लोक लेखा समिति इसकी जांच नहीं कर सकती, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाह रही है? और वो भी एक ऐसे मौके पर, और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसका सीधा ताल्लुक कोरोना वायरस से। इसको लेकर क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? यह पारदर्शिता की कमी आखिर क्यों है? किस बात की पर्दादारी है? और अब न्यूज चक्र में हम बात करने वाले हैं राजस्थान संकट की। आपके सामने 3 चेहरे इस वक्त, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। मैं इस तस्वीर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि बेशक वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, मगर पार्टी के तमाम बड़े मामलों में इनका दखल रहता है। आज इन तीनों पक्षों से कुछ सवाल किए जाने चाहिए और इन सवालों के जरिए आप समझेंगे कि दरअसल दिक्कत क्या है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर सचिन पायलट, और सचिन पायलट से मेरे ये सवाल एक एक करके। जैसे कि आप जानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, न सिर्फ उप मुख्यमंत्री रहे हैं बल्कि इनके पास 2 विभाग भी हैं।
अगर उन्हें लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए तो उन्हें इस बात का प्रमाण पेश करना चाहिए कि उनके पास 50% से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। यह मौका उन्हें 2018 में भी मिला था, मगर तब भी वो इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए थे। ऐसे में अगर आप मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पालते हैं तो क्या यह जायज है? क्या आपके पास विधायकों का समर्थन हासिल है? इसके अलावा साल 2013 से आपके पास राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान भी रही है, तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आपको मुख्यमंत्री भी बनाया जाए तो ये लालच नहीं तो क्या है? ये ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? क्योंकि आपको इस बात के प्रमाण पेश करेंगे कि आपके पास वाकई अधिकतर विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके बाद कुछ और मुद्दे। अगर वो समर्थन के बगैर मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छवि एक सत्ता के लालची नेता के तौर पर होती जा रही है। यही नहीं, अगर कोरोना संकट के बीचों बीच सचिन पायलट गहलोत सरकार को अस्थिर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कोरोना संकट के दौरान राज्य में अफरा तफरी का एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। और हम ये ना भूलें कि गहलोत सरकार के भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ देश दुनिया में होती रही है। तो ऐसे में सचिन पायलट इस सवाल का जवाब भी दें कि आखिर वो इस मौके पर क्यों अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये भी ना भूलें, सचिन पायलट की उम्र 42 साल की है। जी हां, उनके पास अभी काफी वक्त पड़ा है, मुख्यमंत्री बनने का काफी वक्त पड़ा है। इसलिए ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पालते हैं तो उन्हें जमीनी हकीकतों पर गौर करना पड़ेगा। सचिन पायलट कहीं ना कहीं इस शख्स यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सीख लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक राज्यसभा में प्रवेश कर चुके हों, मगर बीजेपी में जाकर उनकी क्या हालत हो गई है वो आप उनके इस भाषण से पता लगा सकते हैं। ये सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये या तो आपके दिल में है या नहीं है। ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है। ये भाषण देने से नहीं होता, ये जमीन पर काम करने से होता है। ये उरण खटोले के रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, ये धूल खाने से होता है। सुना आपने, अब सिंधिया साहब बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरह की बयानबाजी करते देखा है? मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि बीजेपी जाके आखिर नेताओं को हो क्या जाता है। तो ये बात तो थी सचिन पायलट की। अब कुछ सवाल और कुछ मुद्दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने। अशोक गहलोत साहब से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस राज्य में अपने ही उप मुख्यमंत्री को पुलिस जो है वो नोटिस भेजता है, वो भी देशद्रोह की आरोपों के चलते। जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है खरीद फरोख्त करके, तो पुलिस जो है वो एक नोटिस भेजता है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को। मैं जानता हूं कि इस मुद्दे पर अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें भी ये नोटिस भेजा गया है। मगर अशोक गहलोत खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, किस राज्य में मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री को पुलिस का एक नोटिस भेजता है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री अशोक गहलोत के अंतर्गत आती है। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं करना, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा नहीं करना, नहीं तो क्या हो सकता है? इसके बाद यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के कामों में दखल देते थे? क्योंकि सचिन पायलट की यह शिकायत रही थी कि बेशक उनके पास दो मंत्रालय हों मगर वो एक भी अपॉइंटमेंट खुद नहीं कर पाते थे, नौकरशाहों की अपॉइंटमेंट खुद नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में अशोक गहलोत के अंदर इतनी असुरक्षा क्यों? सवाल यह भी कि क्या अशोक गहलोत 2013 से ही सचिन पायलट से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? अशोक गहलोत ने कांग्रेस को यह भी वादा किया था कि लोकसभा चुनावों में मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, मगर हकीकत आपके सामने है, एक भी सीट नहीं जिता पाए अशोक गहलोत। यही नहीं, उनका सारा ध्यान
अपने बेटे की लोकसभा सीट में था और वो बाकी तमाम सीटों को उस वक्त भूल गए थे। ये तमाम सवालात अशोक गहलोत से किए जाने चाहिए। जितना दोष यहां सचिन पायलट का है, उतना ही दोष यहां पर अशोक गहलोत का भी दिखाई देता है। और अब कुछ सवाल केंद्रीय आलाकमान से, या ये कहा जाए केंद्रीय आलाकमान के नुमाइंदों से। आपके स्क्रीन पर यह है अविनाश पांडे। अविनाश पांडे कौन है? ये हैं राजस्थान के इंचार्ज, राजस्थान का जिम्मा इनके हाथ में है। इस वक्त इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अविनाश पांडे विक्ट्री का साइन दे रहे हैं। नहीं पांडे जी, विक्ट्री का साइन नहीं, आपका साइन होना चाहिए ये कि हे भगवान, मैंने राज्य को क्या कर दिया। 18 महीने से संकट चला आ रहा था, 18 महीने से इस संकट की सुगबुगाहट थी, मगर अविनाश पांडे ने कुछ नहीं किया। दरअसल यही हालत हर कांग्रेस के राज्य में इनके पर्यवेक्षकों की है। छत्तीसगढ़ जाइए तो पीएल पुनिया इसी तरह का बवाल कर रहे हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के जितने भी पर्यवेक्षक हैं वो पूरी तरह से नाकारा है। अब एक सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से। मैं जानता हूं कि पिछले 48 घंटों में आप सचिन पायलट से लगातार बात कर रही हैं, मगर जब यह संकट इतने दिनों से चला आ रहा है, तब क्या आपने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सामने बिठाकर इस मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की? क्या वक्त की यह मांग नहीं थी कि आप ये तमाम मुद्दे उठाते? क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया प्रकरण, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रकरण जो है वो एक सबक था कांग्रेस के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो तीन खेमों में विभाजित थी, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कमलनाथ। और ये गुटबाजी का ही नतीजा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और नतीजा आपके सामने है, एक राज्य कांग्रेस के हाथ से चला गया। क्या इन सवालों का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष देंगी? आपके स्क्रीन पर यह है कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल ने एक अहम ट्वीट किया है। कपिल सिब्बल ने कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान से इस संदेश के जरिए एक गुहार लगाई है कि कांग्रेस के अंदर जो अफरा तफरी मची है इस पर लगाम लगाई जाए, वरना तमाम घोड़े जो हैं वो अस्तबल से निकल जाएंगे। और हो भी रहा है, क्योंकि एक एक करके कांग्रेस अपने राज्य गंवाती जा रही है, अपनी अनिश्चितता के चलते, अपने इसी गुटबाजी के चलते। आज मैं तमाम सवालात आपके सामने क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसका मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना हो, साम दाम दंड भेद से, जब भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मूल्यों को इस कदर कुचल रही हो, तो बहुत जरूरी है कि देश के अंदर एक सजग, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और कांग्रेस इस तरह का विपक्ष देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं के अंदर असहजता पैदा करते हैं। राहुल गांधी एक बयान देते हैं और पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है उनका मुकाबला करने के लिए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कांग्रेस एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यह देश की जनता के साथ नाइंसाफी होगी अगर देश के सामने या विकल्प के तौर पर देश के सामने एक बहुत ही निकम्मा विपक्ष हो। क्या कांग्रेस इस बात पर गौर करेगी? दोस्तों, हिंदी में दो कहावतें हैं, मौके पर चौका मारना और बहती गंगा में हाथ धोना। और इन दोनों कहावतों पर केंद्र की भाजपा सरकार को संपूर्ण विश्वास है। जी हां, एक ऐसे मौके पर जब अशोक गहलोत सरकार कुछ मुश्किल में है, केंद्र की भाजपा सरकार क्या करती है? क्या आप जानते हैं कि आज राजस्थान में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के रेड्स मारे गए? और ये इनकम टैक्स के रेड्स किन लोगों पर मारे गए? कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा, इसके अलावा बिजनेसमैन ओम कोठारी, और ये तमाम लोग कांग्रेस के निकटवर्ती लोग हैं, या तो कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं। सही कहा है किसी ने कि मोदी सरकार राज्य सरकारों का खास ख्याल रखती है। मैं जानता हूं कि सत्ता हासिल करना किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है, साम दाम दंड भेद से। मगर बीजेपी को समझना होगा कि अब आपकी स्क्रिप्ट जो है ना, वो थोड़ी सी
जिसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल होती जा रही है, एक ढर्रे पर चलती नजर आ रही है। जैसे ही राज्य सरकार मुश्किल में होती है तो या तो ऑपरेशन लोटस ही शुरू हो जाता है। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि सचिन पायलट के पास नंबर्स नहीं है जिसने की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, समानांतर तौर पर इनकम टैक्स के रेड्स मारने शुरू कर दिए। तो बीजेपी जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।